आपको नालासोपारा के प्राचीन इतिहास की सवारी करवाएंगे। चर्चगेट से नालासोपारा की दूरी 35 मील है। नालासोपारा पहुंचने के लिए मुंबई पश्चिम रेलवे से कोई भी लोकल ट्रेन पकड़ के वहां पर पहुंचा जा सकता है। नालासोपारा का 2500 साल पुराना इतिहास है। नालासोपारा का पुराना नाम सुरपरका था और इस नाम की जड़ें पाली वाड़मय से जुड़ी है। सोपारा उस समय पश्चिम भारत में व्यापार का एक प्रसिद्ध और मुख्य बंदरगाह था और इसी कारण बुद्ध के प्रचार और विचारों का प्रसार पूरी दुनिया में यहीं से होने लगा। उस समय सोपारा का प्रसिद्ध व्यापारी जिसका नाम अर्थपूर्णा था, वह कुछ व्यापारी दौरे के कारण श्रावस्ती गया था, जहां उनकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद बुद्ध के ज्ञान और विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की और भिक्षु बन गए। जब वह गौतम बुद्ध के अनुमति के साथ सोपारा लौट आए तो उन्होंने चंदन के लकड़ियों से एक विहार बांधा। उन्होंने इस विहार का उद्घाटन करने के लिए गौतम बुद्ध को बुलाया। गौतम बुद्ध ने अपने 500 भिक्षुओं के साथ इस विहार का दौरा किया और 7 दिन तक यहाँ रहे। नालासोपारा के आसपास बहुत सारी जगहें हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका जीता जागता उदाहरण कानेरी गुफा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की शिक्षाओं को सोपारा के माध्यम से कानेरी गुफाओं के भिक्षुओं द्वारा फैलाया गया था, क्योंकि दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोपारा मार्ग से कानेरी का दौरा किया करते थे। स्तूप की खोज 7 अप्रैल 1882 को पंडित भगवानलाल इंद्रजीत द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध के सोपारा की यात्रा को स्मरण के रूप में रखने के लिए सम्राट अशोक ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 साल बाद स्तूप का निर्माण किया। सम्राट अशोक का बेटा महेंद्र और बेटी संगमित्रा बोधि के पेड़ के शाखा के साथ सोपारा बंदरगाह से श्रीलंका गए थे। खुदाई के दौरान स्तूप के केंद्र से एक बड़े पत्थर की तिजोरी मिली थी, जिसमें मैत्रेय बुद्ध के 8 कांस्य की मूर्तियां थी जो 8वीं और 9वीं शताब्दी की थी। तिजोरी में एक कांस्य, चांदी, स्फटिक और सोने की डिब्बियां मिली थी। स्तूप में चांदी के सिक्के मिले थे जो पहली और दूसरी शताब्दी के सातवन राज्य के गौतमी पुत्र सत्कर्णी राजा के खालखंड के थे। सम्राट अशोक ने जो 14 शिलालेख लिखे थे, उनमें से 8वां और 9वां शिलालेख स्तूप के आसपास मिले थे। गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र यहाँ पाया गया था, जो अभी लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखा है। गुंबद की ऊंचाई 18 फीट थी और उसका व्यास 268 फीट था। गुंबद के ऊपर एक आभूषण रखा गया था जो टी आकार में था, जिसे सोने के साथ लेपित किया गया था। गुंबद बनाने के लिए अच्छी मिट्टी और ईंटों का उपयोग किया गया था। स्तूप के वर्तमान स्थिति के अनुसार इसकी सटीक ऊंचाई बताना मुश्किल है। यह स्मारक को प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। यहाँ चारों ओर बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं और फूलों की विविधताएं हैं, जो मन को शांति और प्रभावित करती है।